हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स वेलकम टू माई चैनल हैश हैं आप लोग सब आज का जो ये वीडियो है ये है एक स्किन ब्राइटनिंग कल मैंने आपको स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट करके दिखाया था तो ये आज ये भी एक स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है तो जो आप डेली इस्तेमाल कर सकते आपको सिर्फ थर्टी मिनट इस्तेमाल करना है और इसके कंटिन्यूस यूजेज आप अपने स्किन में अपने पूरे बॉडी पार्ट में अपने फेस में अपने पूरे बॉडी के स्किन में आप डिफरेंस जो है वो खुद ही फाइंड आउट कर पाएंगे फिगर आउट कर पाएंगे तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्किन ट्रीटमेंट वीडियो तो आज का जो वीडियो है दोस्तों ये एक हर्बल ऑयल के बारे में जिसका नाम है बहुत ही फेमस है ये है कामा आयुर्वेदा जो बहुत ज्यादा इन दिनों चला हुआ है तो ये कामा आयुर्वेदा का नलपा मरादी नलपा मरादी तेलम के बारे में है जो एक स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ये ब्राइडल लोग के लिए बहुत ज्यादा इसका एक पूरा ट्रीटमेंट आता है तो ये स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है ये एक ऑयल है जिसका नाम है नलपा मरादी ये कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा है नलपा मरादी तेलम ये स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट इंस्टेंट प्रोवाइड करता है आपको और ये आयुर्वेदा में इट इज डिस्क्राइब इन आयुर्वेदा एज ए नेचुरल स्किन इल्यूमिनेटर फॉर फेस एंड बॉडी हाईली रिकमेंडेड एज अ ब्राइडल ब्यूटी ट्रीटमेंट तो अगर आप इसकी जल्दी शादी होने वाली है तो थर्टी डेज से पहले आप इसको इस्तेमाल कीजिए और डेली इस्तेमाल कीजिए सिर्फ थर्टी मिनट्स के लिए आपको इसको रखना है उसके बाद आप नहा लीजिए किसी अच्छे से माइल्ड क्लेंजर का इस्तेमाल करके बॉडी वॉश का या फेस वॉश और स्क्रब इस्तेमाल करके और आप थर्टी डेज में आपको अपने चेहरे पे अपने बॉडी पे फर्क नजर आएगा इंस्टेंट आपको रेडियंस इल्यूमिनेशन और ग्लो ये प्रोवाइड करेगा ये मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है दोस्तों और ये हंड्रेड एमएल की बॉटल है और इसका जो प्राइस है दोस्तों ये ग्यारह सौ रूपये है वन जीरो नाइन फाइव यानी कि ग्यारह सौ रूपये तो इन दिनों काम आयुर्वेदा की साइट पे या फ्लिपकार्ट एमेजोन पे भी आपको मिल जाएगा तो उसमें डिस्काउंट मिलके आपको ये मैंने वन थाउजेंड रुपीज की ये बॉटल है वन थाउजेंड रुपीज की ये हंड्रेड एम एल की बॉटल है और ये मेरा दूसरा बॉटल इससे पहले भी मैं इसको तो काफी बार इस्तेमाल कर चुकी हूं और अभी इसको मैंने रिसेंटली मंगाया है और इसमें सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स दिए गए हैं वेटिवेरिया दिया गया है जो आपको पता है कि स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है और इसमें सारे ही साइंटिफिक नाम दिए हैं लेकिन ये सब है हल्दी है स्केसर है और मुलेठी है और आमंड ऑयल है ऑलिव ऑयल है तिल का तेल है और बहुत कुछ दिया हुआ जिनका साइंटिफिक नाम मैं नाम भी नहीं समझ में मुझे आ रहा है लेकिन बहुत अच्छा है तो इसमें एक हल्दी का टिंट है मैं आपको अभी इस्तेमाल करके मैं बॉडी में इसको दिखाऊंगी और इसको बोला जाता है कि आप नहाने से 30 मिनट्स पहले इसको लगाइए और 30 मिनट्स आपके स्किन पर कुछ होना नहीं चाहिए ना कोई मॉइस्चराइजर ना कोई क्रीम ना कोई टोनर कुछ तो भी तो अभी मैं सिर्फ नहा के आई हूँ और मेरे स्किन पे इसमें कुछ भी नहीं है बिल्कुल बेयर स्किन नहीं है मैंने कोई क्रीम या कोई भी सीरम या स्किन स्किन का जो रजीम है वो मैंने फॉलो नहीं किया है तो इसको कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों और आप इसे चाहे तो नाइट टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन नाइट टाइम में इस्तेमाल करने से बस बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे लेकिन एक ही फ्लॉ है कि अगर आप इसको नाइट टाइम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो बेडशीट है और आपका जो मैट्रेस है उसमें टर्मरिक के टेंट जो है वो लग जाए क्योंकि इस ऑयल में टर्मरिक और केसर यानी हल्दी चंदन केसर ये सब इसमें दिया गया तो आप पास से देख सकते हैं ये कामा का कामा आयुर्वेदा का नलपा मरादी तैलम है स्किन ब्राइटिंग ट्रीटमेंट फॉर ब्राइडल ये है और ये हंड्रेड एम की की बॉटल्स इतनी सी बोतल है दोस्तों ये हजार रुपये की है तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका जो शेल्फ लाइफ है वो 2020 से लेकर 2023 तक है यानी थ्री इयर्स की शेल्फ लाइफ आपको मिल जाएगी दोस्तों और इसमें लिखा है जेंटली मसाज इनटू द स्किन एंश्योरिंग द अफेक्टेड बॉडी पार्ट जिस जिस बॉडी पार्ट में आपको लगाना है अपने हाथों में अपने टांगों में अपने मुंह में गले में जहां जहां लगाना है आप वहां पे लगाइए टू तो ट्रीटमेंट वर्क्स बेस्ट इफ, इफ इट इज लेफ्ट फॉर थर्टी मिनट्स जैसे तो थर्टी मिनट्स आपको रखना ही रखना है उसे कम में अगर धो देंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो वो आपको नहीं मिलेगा एंड क्लेंज पोस्ट ट्रीटमेंट विद अ माइल्ड क्लेंजर कोई भी अच्छा सा माइल्ड वाला ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ऐसा कोई भी आप क्लेंजर बॉडी वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं जेल इस्तेमाल कर सकते हैं दिस ऑयल कंटेन्स दिस ऑयल स्टेन्स इससे आपको दाग लग सकते हैं आपके कपड़ों में इसलिए आपको स्लीवलेस ड्रेस पहनी है या इसको रात को नहीं इस्तेमाल कीजिए दिन में इस्तेमाल कर लीजिए नहाने से पहले लेकिन मैं नहाने के बाद आपको इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ मैं थर्टी मिनट में तो दिस ऑयल स्टेन्स ड्यू टू इंग्रेडिएंट्स लाइक टर्मरिक टर्मरिक आपको पता है हल्दी का तो सबको पता है हल्दी की तासीर से पूरा चीज येलो हो जाता है जो भी आप लगाएंगे तो इसमें इंग्रीडियंट्स में टर्मरिक है टू बी टेकन यूजिंग तो मैं आपको इसको तो इस्तेमाल करके दिखाती हूँ ये देखिए इस तरीके से कुछ ये इसकी बहुत अच्छी सी मेटल की ये नैब नॉब आता है इसे आप खोलेंगे इसके बाद आपके इसके अंदर एक आपको होल मिलेगा ऐसे करके और इसके अंदर आपको तेल ये कुछ इस तरीके से पीला पीला है मैं, Depe, तो ले जा जा। मैं थोड़ा सा। ले आपको हाथ में इसको लेना है ये देखिए मेरा पूरा हाथ जो है वो येल्लो हो गया मैं आपको लगा के दिखा भी देती हूँ ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको बोल रही हूँ मैं इस्तेमाल भी करती हूँ दोस्तों और अभी तो इसमें क्योंकि हल्दी है चंदन है और केसर है तो आपको पता है कि हल, और ऑलिव ऑयल सरसों का तेल जो भी उपटन में ब्राइडल में इस्तेमाल होता है वो सब इसमें है तो ये हजार रुपए की बॉटल है तो आप उसी इस, उसी तरीके से इस्तेमाल कर ली करिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं डेली यूजेज में तो आप डेली लगाइए तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे देखिए कितना येल्लो इसको अगर लगा के आप रात को सो एक दो बार मैंने रात को लगा के सोया तो मेरी पूरी मैट्रेस और मेरा पूरा चादर सब कुछ जो है वो येल्लो होगा तो सुबह आपका काम बढ़ जाता है और आपको उसे धोना पड़ता है सुबोट के वॉशिंग मशीन लगाओ ये सब करो ये देखिए इसको आप लगाइए ये देखिए आपके सामने ही मैं इस्तेमाल कर रही हूं इसको आपको थर्टी मिनट्स तो रखना ही पड़ेगा उसके बाद आप चाहें तो इसको आप सिर्फ पानी से धो लीजिए लेकिन कहा जाता है कि माइल्ड अच्छे से फेस वॉश या क्लेंजर या बॉडी वॉश बॉडी जेल जो आपके पास हो अगर आप साबुन इस्तेमाल करते हैं तो साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये देखिए मैंने अपने पूरे आर्म्स में पूरे हाथ में मैंने लगा लिया आपको अगर अब ब्राइडल के लिए लगाना है अगर आपकी हाल ही में शादी होने वाली है तो आप अपने आप अपने प्राइवेट में पूरे बॉडी में भी लगा सकते हैं जहां जहां आपको लगाना है मैं आपको सिर्फ थोड़ी बहुत जगह पे लगा के दिखा दे रही हूं ये देखिए मुंह पे लगाते ही पूरा मुंह जो है वो येल्लो हो जाएगा